टूटने लगे हैं। राहत इंदौरी की शायरी ने वहाँ वहाँ हमें उठाया है, हमें उभारा है, हमें हौसला दिया है। एक ऐसा शख्स जो पैमाने के अंदर से, शराब के पैमाने के अंदर से इंकलाब पैदा करने का सलीका जानता है, उसका नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राहत भाई ने इस वक्त ख्वाहिश जाहिर की कि वो शेर सुनाए, शायद इसलिए कि आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। इसका फायदा मुझे ये पहुंच रहा है जो बाद में आपको पहुंचेगा कि आखिर में फिर मैं राहत भाई से गुजारिश करूंगा कि एक बार आपकी ख्वाहिश से आपने कलाम सुनाया, एक बार मैं नाजिम हूं, मेरी दरखास्त पर आप कलाम सुनाइए। इस तरह दो मौका हमें मिल जाए। हजरात, बहुत कम इन इलाकों में हाजरी का शर्फ हासिल होता है। बेगलसाही साहब मेरे बहुत ही मोहतरम हैं, उनके हुक्म पर मैं यहां हाजिर हुआ हूं और पहली मुलाकात है आप लोगों से। अल्लाह करे कि थोड़ी देर में मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, ये दुआ कर रहा हूं अल्लाह से, और दुआ कर रहा हूं अल्लाह से कि आप लोगों का शेर सुनने का मूड बन जाए तो कुछ मैं आपकी खिदमत कर सकूंगा। पुलिस के बहुत जिम्मेदार यहां बैठे हैं, किसने मुझे बताया, मैं पुलिस के लोगों की जहानत मौतरिफ रहा हूं हमेशा। लोग ना जाने किस किस तरीके से पुलिस को पूछते हैं, समझते हैं, लेकिन मैं इनकी जहानतों का मौतरिफ रहा हूं। इमरजेंसी का जमाना था, इंदिरा गांधी का रिजिम था, और उस जमाने में मैंने एक बार कह दिया था माइक पर कि सरकार चोर है। तो पुलिस स्टेशन से दूसरे दिन मुझे बुलावा आ गया और अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात में ये कहा था कि पुलिस चोर है, सरकार चोर है। मैंने कहा ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है या पाकिस्तान की सरकार चोर है या अमेरिका की सरकार चोर है। तो वो अफसर मुझे देख के मुस्कुराए और कहा क्या आप उन्हें देखो समझते क्या नहीं, मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है। तो ज़हानतों का मैं बहुत ही मोहतरम हूं, मैं बहुत अपना लिया दिया आदमी रहता हूं, बहुत ही अपने आप को अपने खाने में रखता हूं। मुझे कहां रहना चाहिए मुझे मालूम है, मुझे कहां बैठना चाहिए मुझे मालूम है, कहां बात करना चाहिए मुझे मालूम है, सब कुछ। कारोबारी आदमी नहीं हूं। 50 मिनट के फासले पर आज मुशायरा हो रहा है इंदौर से, इंदौर में जहां का मैं रहने वाला हूं वहां से 50 मिनट का फासला है उज्जैन, वहां मुझे बुलाया गया था। पैसे से भी उतने ही जितने यहां था, लेकिन बेकल साहब ने हुक्म दिया था मुझे कि रात तुझे भद्रक आना है, तो 50 घंटे का सफर करके आ रहा हूं। अल्लाह करे कि मेरा यहां आना सार्थक हो जाए, अल्लाह करे कि मेरा यहां आना सार्थक हो जाए, अल्लाह करे कि मेरा यहां आना अच्छा लगे। आई होता था मूड बनेंगे सब लोग, मेरा भी आपका ही होगा। सुने कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, इसका जरा तो ऊपर कीजिए ना, थोड़ा सा जरा तो ऊंचा कीजिए माइक को, सरकार थोड़ा सा माइक थोड़ा ऊंचा कीजिए, थोड़ा सा ऊंचा दीजिए, एक एक दो इंच। मेरी जगह पे आपने खड़ा किया इजाजत है, सुन लेना मुझे बुलाया तो पता नहीं आऊंगे ना हूं, दिल का मरीज हूं, हार के देख रहे कई बार 4-5 बार हो चुका है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, मेरा भाई शहरों में तो
खुशहाल मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम। भद्र मानो अच्छा लगा कि आप अमरूद का मुद्दा समझते हैं। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है, सूख चुके हैं सारे फूल, सूख चुके हैं सारे फूल, सूख चुके हैं सारे फूल, दुआओं के बाहों में अब नमरूदों का मौसम। सूख चुके हैं सारे फूल बागों में, अब नमरूदों का मौसम है, बागों में अब नमरूदों का मौसम। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या यार? मेरा मूड बना लो, इस आदमी की जूतियां धर रखता हूँ, इस देवल साई की जूतियां धर रखता हूँ। एक मूड एक माहौल बना था इस देश में, टेलीविजन पर बताया जा रहा था सरहदों पर लड़ाइयां चल रही है, जंग होने वाली है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, सुबह हो जाएगी शाम हो जाएगी। उस जमाने में मैंने लिखा था जब टेलीविजन देखा जा रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग होने वाली है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव का दबाव है क्या? वाह 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 तीसरी संत का दबाव है क्या? तीसरी संत का दबाव है क्या? सुने उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में। मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, सब इंजॉय कर, बुजुर्ग भी बच्चे भी बूढ़े भी सब सब मेरे साथ हैं। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सा क्या? उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब सब चाकू बाकू चुड़िया बुड़िया जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरिया बुड़िया खंजर बंजर सब, दिल दिल से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, जाके चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर, अरे वाह वाह दिल दिल से तुम रूठी मुझसे चादर वादर तकिया बिस्तर बिस्तर मुझसे बिछड़ कर वो भी कहाँ पहले जैसी है, मुझसे बिछड़ कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है, ठीक है पड़ गए कपड़े बपड़े ठीक है पड़ गए, इश्क में गूंजे थे दो गजरे। मैं आऊंगा दोस्तों उस शायरी तक जिस शायरी की वजह से मैं या तो बहुत मशहूर हूँ या बहुत ज्यादा बदनाम हूँ। मुझे मालूम पड़ जाता इश्क में गूंधे थे जो नुकीले
हाथों में तो ये कंगन भी ढीले और इसमें बूढ़े बजरे बजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले, गांव की सब तितलियों के हाथ गए हाथ पीले हो गए, क्या जरूरी है करे विषपान हम शिव की तरह। हिंदू बैठा जी, हिंदू मुसलमान सभी बैठे हैं, हिंदू बैठा जी में आया है कि राक्षसों ने और दानवों ने समंदर का मंथन किया था, भगवान शंकर ने जो समंदर मंथन में जहर निकला था वो जहर भगवान शंकर ने पी लिया था, इसीलिए नीलकंठेश्वर उनका नाम रखा। लेकिन एक मुद्दा बदल बना रहा, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। यार बदल पारो क्या तुमने शेर कह दिया मुझे बताना, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, क्या जरूरी है करें विष्पान हम शिव की तरह। वाह वाह, सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ मीठे हो गए, क्या जरूरी है करें विष्पान हम शिव। वाह, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे चांद, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। वाह वाह वाह, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे के वो हाथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई, आंधी से कोई कह दे तो हाथ में रहे, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। क्या कहने, मैं जब तक नाई पर हूं आपसे गुजारिश ये है कि पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, यह कोई भरोसा नहीं मैं कहूँ चाहिए सुना, पर ये याद रखना भद्रक है, मैं पहली बार आया हूं उड़ीसा में, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, ये तैचियां हमें उड़ने से घात रोकेंगी, कि हम बलों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, सुने के लवे दियो की हवा में उछालते रहना, क्या कहेंगे, लवे दियो की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के जमाने में भेज जाऊंगा, तुम आफ्ताब में कीड़े निकालते,
रास्ता में कीड़े निकालते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग पड़े हैं पड़े रहते हैं ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई जिनके जूतों में कई तार, क्या कहने भाई, जिनके जूतों में कई तार पड़े, बहुत अच्छा लग रहा मुझे, हमारे भद्रक के लोगों, भद्रक के प्यारे लोगों, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है जीता, काम सब कर सूरी जो सब करते हैं, काम सब गए जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते और हम कुछ नहीं करते हैं, काम सब गए जरूरी है जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। सुनो बता करो, अगर शेर सुनते हैं तो आप, अगर शेर बोले तो सुनो, और हम कुछ नहीं करते, गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, कहने हम चराहों का भी उतना ही अदब करते हैं। लहू लुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, लहू लुहान
लहू लुहान पड़ा था जमीन पर, एक सूरज लहू लुहान पड़ा था जमीन पर, एक सूरज परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे, जमीन पर आ गए आंखों से टूट कर आंसू, जमीन पर आ गए आंखों से टूट कर। बुरी खबर है फरिश्ते खताएं, आंखों से टूट कर आंसू, जमीन पर आ गए नगर वालों, जमीन पर आ गए आंखों से टूट कर आंसू। बुरी खबर है फरिश्ते खताएं करने लगे, फरिश्ते खताएं करने लगे, सुने के तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो हम दवाएं, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने, ये सब मरीज हैं जो दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मरीज का, खूब महफिल थी। ये पार्लियामेंट में जो भी कार्रवाई होती है हम लोग अपने घरों में बैठकर टेलीविजन पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए जो मैं घर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मानो जो जिम्मेदार मर है, ये सब मरीज हैं जो दवाएं करने लगे, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे क्या है भैया, एक बदलिया है।
भारत भाग्य बिठाता, सारे भारत में उगते हैं मोदी हैं, अडवाणी हैं, सुनो, झूठी बदलियों का धुआं पार कर झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके कदनात्मा है मेरा तो छत से उतर गया। वाह 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 वाह, सुना दे झूठी बुलंदियों का धुआं पार कर गया कदनात्मा है मेरा तो छत से उतर गया। छत से उतर गया सोने का रथ फकीर के दर तक ना आएगा, सोने का रथ फकीर के दर तक ना आएगा, कुछ मांगना है हमसे तो पैदल उतर के सोने का रथ फकीर के दर तक ना आएगा, कुछ मांगना है हमसे, कुछ मांगना है हमसे तो पैदल उतर के कुछ मांगना है हमसे तो पैदल मैं धूल में अटाऊ मगर तुझको क्या हुआ, मैं धूल में अटाऊ मगर तुझको तुझको क्या हुआ, आई ना देख जा जरा घर का समर गया। चलो अगर खिलाफ अगर खिलाफ है इस्तीफा कहाँ है, आए जी बैठे, अगर खिलाफ है अगर खिलाफ है होने जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है अगर खिलाफ होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में, क्या कहने यहाँ तो सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में, यहाँ तो सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। इसे बड़ा राहत मिली है, पहली बार आया हूँ, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, और जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, वाह 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 वाह, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, किरायेदार है जाती मकान तो जो आज साहिब मसनद है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, किरायेदार है जाती मकान थोड़ी, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, क्या कहने सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी, किरायेदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ
किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं। सुल्म आखिर में अपनी पत्नी के धोती से पड़ा, मौलाद सुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। क्या कहने ये वादा कर रहा हूँ, 20 करोड़ मुसलमानों की तरफ से इस देश के 80 करोड़ हमारे साथियों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे अंतराय के लिए। मौलाद सुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। जमीन माँ है, जमीन को दगा नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, हमें तो सिर्फ जगाना है और सोने वालों जो दर खुला है वहां हम सदा रहेंगे। वाह और सुनो नौजवानों, भद्रक के नौजवानों, रिवायतों की सफेद तोड़ कर बढ़ो, रिवायतों की सफेद तोड़ कर रहो, रिवायतों की सफेद तोड़।